जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान को राजा को मुख्य तेरा शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है, मेरे वालिद साहब के ऑफिस में इलेक्शन है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है और आप सब से दुआ करता हूँ कि दुआ कीजिएगा वालिद साहब के मेरे जो OGDC में इलेक्शन हो रहे हैं अच्छी खासियत से लीड से जीतें। और इसको तो आप जानते होंगे क्या हाल है साहब, पापा जी दवा दे, पापा थोड़ी जल्दी जीते फिर अपने झाड़ी पीजिए, अपने झाड़ी चाहिए दवा करो। तो मलिक साहब कह रहे हैं कि दुआ कीजिए मेरे पापा के लिए कि अच्छी लीड से जीत जाएं। और अच्छी लीड से जीतने के बाद मलिक साहब को ये भी उम्मीद है कि उनको न्यू गाड़ी भी मिलेगी। तो चलिए जी चलते हैं, गेटअप वगैरह चेंज करते हैं और फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। तब तक के लिए पीस आउट जी। तो तैयार श्यार हो गए, गेटअप चेंज कर लिए, तो अब निकलते हैं और साथ साथ आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। OGDCL पहुंच गए, तो अभी चलते हैं और आपको सारे अंदर जाके अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। सबसे पहले शुक्र उस जात पाक का जिसने हमेशा हक को हक रखा और झूठ को झूठ रखा। आज ये जो चारों सूबों की फतह है हमारी, ये OGDCL के वर्कर की खालिस्तन फतह है। आज मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने बलूचिस्तान के दुखती भाइयों का और मेरे लोटी के उन वर्करों का जो सारे लोटे पगोड़ों के बावजूद बगैर अहदेदार के लोटी से लड़े हैं। आज वडेरा बलोचान का शुक्रिया पीरकोस है। आज वडेरा
हाजी भुट्टा का शुक्रिया पीरको से, आज इकबाल मुफ्ती का शुक्रिया पीरको से, आज बगैर अहदेदार के जो मेरे ग्रुप के लिए लोटी से काम कर रहा था अमानुल्ला का शुक्रिया, आज पीरको से लोटी से उच्च फील्ड से बडेरा अल्ताफ का शुक्रिया, और लोटी से बिलखसूस मेरा मुजाहिद राजा का मुजाहिद जर खान का शुक्रिया, आज मेरे उच्च से जो हमने शेर भेजा अल्ताफ बुख्ती के साथ राजा फैसल का शुक्रिया, आज जुल्फी का भी शुक्रिया, खालद सियाल जो ईएफपी वन में बैठा हुआ है उसका भी शुक्रिया, जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान को राजा को मुंह क्या तेरा छो, और किधर गया बलूचिस्तान, कहां गई मैंडी सराय की पट्टी, कहां गया केपीके नशबा चंदा मेला, कहां गया ढोक हुसैन, कहां गया सिंध, आज जिनको तूने अल क्लास दिखाई उन्होंने तुझे वो रास्ता दिखाया कि तुम्हारी सियासत का इंशाल्लाह ताला हमेशा का दरवाजा बंद कर दूं इंशाल्लाह। आज ओजीडीसी के वर्कर को जो ये फतह हुई है, आपका इलेक्शन अपोजिशन से नहीं था, आपका इलेक्शन फरारियों से था, आपका इलेक्शन वडेरों से था, आपका इलेक्शन एमएनए एमपीए से था, तो लोग वर्कर में जाने के काबिल नहीं थे, वो उनके पांव पड़े, उन लोगों के पांव पड़े जिनके दिलों में इस इत्तेहाद यूनियन की मोहब्बत थी, है और इंशाल्लाह ताला रहेगी इंशाल्लाह। रही बात रेफरेंडम के बाद, इंशाल्लाह ताला राजा सलीम ग्रुप ने, इत्तेहाद यूनियन ने जब भी जो जो वादे किए वो पूरे किए, और अभी भी जो किए इंशाल्लाह ताला वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। आपका सदर आज सिंध में बैठा हुआ था, उसे सिंध जीत के दिया, जो अपने अपने इलाके छोड़ के हेड ऑफिस में बैठे हुए थे उन्होंने वापसी का टिकट लेके सफर शुरू कर दिया, चारों सूबों से विक्ट्री बात की गमाजी करती है कि जो इत्तेहाद यूनियन ने परफॉर्म किया तो किया, लेकिन जो गंदा काम इस दफा किया गया कि ओजीडीसी की सियासत को ओजीडीसी से बाहर बडेरों नवाबों एमएनए एमपीएस के पास ले गई, वर्कर ने साबित किया इन चापलूसियों से कुछ नहीं होता। मैंने रात बलूचिस्तान ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि हम 2000 की लीड लेके यहाँ से रवाना होंगे, वो भी सच साबित हुई, और साथ ये भी कहा था कि ये बटेरों नवाबों के आगे शर्मिंदा होंगे क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था कि तीनों सूबे हम जीते हुए हैं, और हमने पैगाम दिया था कि इंशाल्लाह ताला ये तीनों सूबे नहीं बलूचिस्तान भी जीतेंगे, और SP2 पीरको लोटी उच ओवरऑल आपकी लीड अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान से भी है। वर्कर अपनी यूनिटी बरकरार रखें, इंशाल्लाह ताला जिस रब की जात ने हमें फतह दी है वही रब की जात इंशाल्लाह ताला हमें तौफीक दे भी रही है और आइंदा देगी भी कि हम आपकी उमंगों के ऐन मुताबिक काम कर सकें। आपका प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ताला रात को सलीम वापस आ जाएगा, कल इंतजामिया क्योंकि दफा 144 है, कल इंशाल्लाह ताला हम पंफलेट निकालेंगे अपनी गेट मीटिंग का, जो भरपूर तरीके से जश्न होगा, अल्लाह ताला आपको इस इदारे को सबको कायम दाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई सब जीत गए, तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं सब, ये देख सकते हैं आप लोग, ये झूम लगा हुआ है सारे ऑफिसर से सब करके, तो अभी खाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो खाना शाना खा के तो फिर हम आप लोगों से खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो खाना शाना हो गया हम सब का, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो अभी घर के लिए जा रहे हैं, और क्यों शारी भाई मजा आया आज बहुत, चासा ही है, चासा आ गई है, सबसे पहले तो आपको बहुत खैर मुबारक यार, खैर मुबारक जीते हमारे आपको भी, बिल्कुल बिल्कुल खैर मुबारक है भाई। तो चलें जी आज का व्लॉग था हमारा यहाँ तक ही, व्लॉग को करते हैं एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे एक एपिसोड के साथ आपके साथ मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है, खुदा रहा एक बटन दबाना पड़ता है, कौन सी मौत पड़ जानी होती है आपको, शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए लोगों को, एक
बटन दबाने से कोई किसी की हौसला अफजाई हो जाए तो क्या ही बात है। गुजारिश आपसे यही है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो साथ टली है ना बेल आइकन की, उसको भी टिल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।